मनीष कश्यप हिलैले हो, मनीष कश्यप चालीसा, मनीष कश्यप पत्रकार, मनीष कश्यप के नाम से दर्जनों गाने आज आ गए हैं YouTube पर। कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं। ये नाम है उन एल्बम्स के जो हाल ही के कुछ दिनों में मनीष कश्यप के लिए निकाली गई हैं। आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप इस वक्त तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि उन्हें 3 दिन का रिमांड और ज़्यादा उन पर बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कि तमिलनाडु पुलिस बिहार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप देख सकते हैं कि कितने सारी एल्बम्स आ गई हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में। मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग को देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि बिहार के जो लोग हैं मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ा एक यूट्यूबर भी मानते हैं, हालांकि उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है, यहाँ पर ताज्जुब करने वाली बात यह है कि ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं भोजपुरी भाषा में जो वाकई कुछ लोगों को हंसा भी रहे हैं और कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। चिंता का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक मामूली से यूट्यूबर को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, क्यों लोग बिहार के लोग रैलियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और क्यों अभी तक उनके खिलाफ कोई और ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। मनीष कश्यप उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक फेक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसके अंदर कुछ बिहारी मजदूरों को के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया जा रहा था। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं वो सामने भी आए थे, हालांकि पुलिस उन्हें ढूंढती रही और वो काफी दिन तक भागते भी रहे। वो सामने आए अपने चैनल पर, उन्होंने कहा कि ऐसा कतई नहीं है। और हाल ही में जब तमिलनाडु पुलिस उन्हें ले गई एयरपोर्ट पर जब वो थे, तो उन्होंने वहां भी कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, जिस तरह से उनके खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल गलत है, पत्रकारों को साथ देना चाहिए उनका और भी बाकी लोगों को उनके साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बाहर आऊँगा, तब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो बहुत से यंगस्टर्स जो हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और ये मानते हैं कि यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है वो कतई कुछ ऐसा नहीं करते जो कि गलत है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो, उन नौकरशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो। आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में? क्या एक यूट्यूबर पर उनके सपोर्ट के लिए इस तरह से गाने बनने चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो उनको दी जा रही है? आप हमें कमेंट करके बताइए। हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को इंसाफ मिले, लेकिन ये सवाल हमारा पूछना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका क्या टेक है इस बारे में। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।